नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये जो साड़ी है, ये साड़ी पे कलर लग गया था क्योंकि ये दो कलर में साड़ी थी। देख सकते हैं, ये क्रीम कलर है और ये रेड कलर है। ये थोड़ा जुगाड़ था, तो ये जुगाड़ आपके भी काम में आ सकता है, इसलिए ये जुगाड़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो देख रहे हैं, ये जो क्रीम कलर था, तो ये क्रीम कलर पे जो रेड कलर था वो पूरा चढ़ गया था क्योंकि इसको वॉश किया था। ये देख सकते हैं, इसको वॉश कर दिया था, इसलिए ये रेड कलर पूरा इस साड़ी में भर गया था। तो हमने क्या कर दिया, तो यहाँ से वो साड़ी ही कट कर दी क्योंकि जॉइंट ही था। ये देख सकते हैं, जॉइंट था यहाँ पे, ये जॉइंट था। तो फिर हमने जॉइंट खोल दिया, खोलने के बाद में ये रेड पार्ट अलग किया और ये क्रीम पार्ट अलग किया। तो दोस्तों, ये जो पूरा क्रीम भरा था रेड कलर से, तो वो हमने कैसे निकाला, इसको हमने हाइपो में वॉश कर दिया। इसके ऊपर का जो कलर है वो निकालने के लिए हमने हाइपो यूज़ किया। और ये जुगाड़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये जो साड़ी है, दूसरा पार्ट है, उसको हमने निकाला है। देख सकते हैं, इस कपड़े पे अगर हमने इसको रबिंग किया तो क्या हो रहा है, इसका कलर जा रहा है। तो इसी तरह से अभी इसको सेपरेट वॉश करेंगे, जो कि आपको मैंने बताया। अभी ये फिक्सर निकाला है, फिक्सर इसमें डाल देते हैं। ये यूज़ करने के बाद देखते हैं कितना कलर निकलता है। ये कच्चे कलर का है, बहुत कच्चा कलर है ये, जो कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे रबिंग किया तो दिख रहा है, यहाँ पे लग गया है। तो देख सकते हैं, ये जो साड़ी है जो हमने कट किया है, क्योंकि वो लॉन्ड्री ओनर के हाथ से क्या हो गया था, दो पार्ट में जो साड़ी थी तो वो लग गया था। अगर हमारे पास ये साड़ी होती और अगर हम इस तरह से इसको वॉश करते फिक्सर में, तो हम उसको लगने नहीं देते। तो देख सकते हैं, इतना कच्चा कलर, और आप देख सकते हैं पानी, थोड़ा भी कलर नहीं गया है। ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा भी कलर नहीं है। तो ये फिक्सर जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, और ये साड़ी स्पेशल है, साड़ी और लेडीज कपड़े स्पेशल है हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साड़ी हमने कट कर दिया, कट करके जो पार्ट था उसका क्रीम वाला, उसको हाइपो में वॉश कर दिया, ये कलर उसके ऊपर चढ़ गया था, 100% निकाला। अभी ये जो साड़ी है इसको भी वॉश कर दिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको टेलर के हाथ से जॉइंट करेंगे, मशीन पे रोल प्रेस करेंगे और कस्टमर को ओके करके दे देंगे। अगर ये जॉइंट साड़ी भी हम वॉश कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास आती है तो, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी केमिकल है, तो इसके दम पे हम कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे। तो इसका किस्सा ऐसा हो गया था, एक कस्टमर ने लॉन्ड्री ओनर के पास ये साड़ी वॉश करने के लिए दे दिया, तो वो रेगुलर तरीके से तो काम करता था, मगर इस तरह का जब क्रिटिकल काम आ जाता है तो जनरली जो थोड़ा जनरल काम करते हैं वो फंस जाते हैं। तो वो लॉन्ड्री ओनर इसमें फंस गया, मगर ये जो कस्टमर है उसको अच्छा मिला। तो कस्टमर ने कहा कि ये साड़ी हमारे पास लेके आ गया कस्टमर, और कहा ये जो हमारा रेगुलर ड्राई क्लीन वाला है, इससे ये गलती हो गया है, और उसके और हमारे 20 साल के संबंध है, तो वो उसको भी हम नाराज़ नहीं करना चाहते, हो गया गलती तो ठीक है, जाने दो,
हम ठीक करवा देंगे, तो इसलिए उन्होंने हमारे पास लाई है। तो वो लॉन्ड्री ओनर को ये कस्टमर अच्छा मिला, नहीं तो जनरली क्या होता है, ये साड़ी का खर्चा दे दो या फिर ये साड़ी हमें भर के दे दो, ऐसा होता है। मगर बहुत बहुत धन्यवाद उस कस्टमर का भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लॉन्ड्री भाई को सपोर्ट किया और ये कपड़ा भर के नहीं लिया। इतना ही नहीं, बस इसको जो खर्चा आने वाला है वो तक उससे नहीं लिया। तो कहते हैं कि जान दो हमारे हाथ से ख़राब हो गया होता तो क्या करते, उसके और हमारे अच्छे संबंध है 20 साल के, तो हम ख़राब नहीं करना चाहते और उसको भी कोई खर्चा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कस्टमर ने हमारे पास ये साड़ी लेके आ गया है, और ये जो साड़ी लेके आ गया है तो फिर अभी इसको हमने देख लिया अच्छे से और उनको बता दिया। अभी आपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो जॉइंट है, जॉइंट निकालना पड़ेगा और जॉइंट निकाल के फिर जॉइंट मारना पड़ेगा और आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और बाकी का कुछ 19-20 होता है ये डिजाइन वाला, तो वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने सब हाँ कहने के बाद में हमने फिर ये काम किया है और कस्टमर का जो काम है वो भी परफेक्ट हो गया है। और किस तरह से हमने परफेक्ट किया ये भी आपको बता दिया है, ताकि आपके पास इसी तरह का अगर प्रॉब्लम कुछ आ जाता है तो आप भी इसी तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, इसलिए ये नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आगे चलकर आपके भी काम में आ जाए। तो अभी क्या करेंगे, इसको दो पार्ट अलग अलग है, इसको अच्छा सा वॉश कर देंगे। ये तो वाइट पार्ट, क्रीम कलर तो हमने अच्छा सा निकाल के लिया है, अभी इसको हम वॉश करके ले लेंगे टेलर से। ये दोनों जॉइंट मारेंगे और फिर इसको मशीन पे प्रेस करेंगे और बिल्कुल कस्टमर भी खुश हो जाएगा और वो लॉन्ड्री ओनर भी खुश हो जाएगा और हम भी खुश हुए हैं कि हमारे हाथ से भी अच्छा काम हो गया है। और आप भी खुश होंगे कि इस तरह का नॉलेज आपको मिला है ताकि आगे चलकर काम में आ जाए। चलो इसी तरह के खुशी खुशी के मौके ढूंढते हैं और अपना लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। जय हिंद, जय भारत। आप साड़ियाँ मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, जैसे कि लॉट निकालते हैं पीली कलर की साड़ियाँ, फिर हरे कलर की साड़ियाँ, फिर रेड कलर की साड़ियाँ, फिर ब्लैक और ब्लू कलर की साड़ियाँ, इस तरह की साड़ियाँ आप मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, उसका भी लाइव डेमो बनाएंगे।